इसी के साथ समय हो गया है विश्व से जुड़ी हुई खबरों का, डालते हैं नजर वैश्विक खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप का भाषण जिसमें कहा गया था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो परिस्थिति को सामान्य रखना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि सभी स्थिति को सामान्य रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं और उनके भाषणों में जिस तरह की बात बोल रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में कहीं बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ईरान पर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो एक भाषण दिया गया था सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में खारिज कर दिया कि वो किसी तरह से युद्ध को, तनाव को नहीं बढ़ाना चाहते, वो सारी सिचुएशन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध हो, लेकिन जो हो रहा है वो युद्ध से कुछ कम भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने ट्रंप के भाषण को सुर्खी दी है, ईरान के साथ सैन्य संघर्ष से पीछे हटे ट्रंप, वो चाहते हैं कि सैन्य संघर्ष ना हो, ट्रंप को पीछे हटा बताया जा रहा है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान मिसाइल हमले में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है। तो उन लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे गेम खेला जा रहा है, सब सिर्फ सरसरी तौर पे हो रहा है, जिसका फर्क न इस देश में पड़ने वाला है, न ईरान में पड़ने वाला है और न विश्व में पड़ने वाला है। जो कुछ हो रहा है महज एक घटनाक्रम है।